अमृत, आप अब तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है बुकलेट गाय, लोग जानने लगे हैं। सो ये जो सक्सेस मिला, इस सक्सेस के पीछे का क्या स्टोरी है? व्हाट इज द जी सीक्रेट बिहाइंड योर सक्सेस? हाँ, मैं तो बिल्कुल मानता हूँ कि बुक्स ने हर कदम जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स आए किताबों ने मेरी हेल्प की है। मैं बहुत सारे आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे मैं घर पहुँचा तो अभी एक हफ्ते में एग्जीक्यूट करना है, पर कैसे करूँ? अ सीए, अ नॉन आईटी गाय जिसको वेबसाइट कैसे बनाना है पता नहीं, ऐप कैसे बनाना है पता नहीं, तो इस आइडिया को कैसे शुरू करूँ? हाँ, तो फिर वेन एवर आई एम स्टक अप विद द क्वेश्चन व्हाट नेक्स्ट, मेरा भाई हमेशा बोलता था रीड रैंडम, और वापस मैं किताबें पढ़ना शुरू किया। और मैंने एक किताब पढ़ी, एकर्स ऑफ डायमंड्स बाय रसल कॉनवेल। बहुत पुरानी किताब है बट बहुत अच्छी है। वो पहली किताब जो मैंने समरी करके व्हाट्सएप पे भेजी थी, और उसमें लिखा है कि कंस्ट्रेंट इंस्पायर्स क्रिएटिविटी। कंस्ट्रेंट मतलब लिमिटेड रिसोर्सेस। हमको लगता है, हम हमेशा कंप्लेन करता है मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं स्टार्टअप नहीं शुरू कर रहा हूँ, मेरे पास ये आईटी का नॉलेज नहीं है इसलिए मुझे पता नहीं है क्या करूँ। तो जो नहीं है उसके बारे में हम ज्यादा सोचते हैं, है ना? लेकिन इफ वी डिसाइड कि हमारे पास जो है यहीं से शुरू करना है, ऑलरेडी हमारे पास बहुत कुछ है ऐसा हम अज्यूम करेंगे, एंड वी ट्राई टू टेक एक्शन विद इन द लिमिटेड रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल टू अस, वी विल फोर्स आवर ब्रेन टू थिंक क्रिएटिवली एंड मेक इट हैपन। जैसे देखा आपने, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, जिम बंद हो गए थे, जो फिटनेस फ्रीक वाले जो लोग थे वो पागल हो रहे थे एक्सरसाइज करने को। करेक्ट, जिम बंद है, घर में लॉक हो गए, तो क्या करने लगे? यूट्यूब पे आपने देखा होगा, पानी की बाल्टी को डंबल जैसा यूज करने लगे ना, दरवाजे को पुलअप जैसा यूज करने लगे, जो पहले उनको नहीं सूझा नहीं क्योंकि सुझा देयर वाज था, नो कंस्ट्रेंट, जिम चालू थे। राइट, बट नाउ देयर इज अ कंस्ट्रेंट, दे वर फोर्स्ड टू थिंक क्रिएटिवली एंड मेक यूज ऑफ थिंग्स एट होम टू एक्सरसाइज। सी, आवर सो ब्रेन ट्रू, वर्क्स दैट वे। यस। एंड सडनली आई स्टार्टेड लुकिंग एट माई बैंक बैलेंस, लिमिटेड बैंक बैलेंस, क्रिएटिवली, कि अभी मेरे पास जो है उसी में से मुझे करना है, राइट? बराबर, एंड ऑल द मोर ये सोशल स्टार्टअप होगा, मुझे इसमें से कुछ मिलने वाला नहीं है, मुझे बस देना है इस बार, क्योंकि वही मेरा माइंडसेट शिफ्ट हुआ था। तो मैंने सोचा ठीक है, मेरे पास व्हाट्सएप है, सबके पास व्हाट्सएप है, और मुझे रिटर्न में कुछ भी नहीं चाहिए। तो मैंने उसी बुक की समरी बनाई, एकर्स ऑफ डायमंड्स, और वो समरी 20 मिनट की अच्छी सी समरी 2-3 दिन में बनाई और 10 दोस्तों को भेजी, और उसमें से एक वो भी था सुदीप जो सुदीप, बाहुबली वाला। हाँ, राइट और राइट 10 दोस्तों को, जो जिन दोस्तों की मैं केयर कर रहा था, जो किताबें खरीदते थे पर पढ़ते नहीं थे, नो किताबें उनके लिए इम्पोर्टेंट थे बट प्रायोरिटी नहीं थी कभी, या बाकी के कामों का प्रायोरिटी ज्यादा रहता है। तो मैंने उनको वो शेयर किया व्हाट्सएप पे और बोला कि प्लीज पढ़ो, अच्छी लगी तो तुम्हारे दोस्तों को भी दे दो, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दे दो। एंड टू माई सरप्राइज, विद इन 1 वीक आई गॉट 1,000 रिक्वेस्ट फ्रॉम अननोन पीपल हु आर नॉट माई वाह, डायरेक्ट फ्रेंड्स। और सब लोग बोले कि हमको भी चाहिए, बहुत अच्छी आइडिया है, हमको पढ़ना अच्छा लगेगा तुम्हारे समरीज, हमको भी टाइम नहीं मिलता है किताबें पढ़ने को। और बराबर, फिर मेरे को कॉन्फिडेंस आया और मैंने उसको नाम दिया मिशन मेक इंडिया रीड। इस बार ये एक मिशन है, स्वामी विवेकानंद जी से मैंने ये वर्ड लिया, वो भी एक मिशन ओके, पे थे, पूरे दुनिया में वेदांत फिलोसॉफी को फैलाना ये उनका मिशन था। तो वैसे ही मेरा ये मिशन है, और मैंने सबको प्रॉमिस किया कि हर बुधवार को एक प्रिफरेबली एक बेस्ट सेलर बुक की समरी आपको व्हाट्सएप पे मैं भेजूंगा, और वहां से वो जर्नी शुरू हुई।